हमको फेल करने वाला है, अब हमको डर लगने लगा लग से। मेल इसका फीमेल बन रहा था, अब तो मेल फीमेल पता चल रहा है, ठीक ना। आया है और हम बहुत ही निराश हैं, नहीं जाएंगे। ये साजन सर, इन्हीं के थ्रू हम लोग भांडा खोल रहे हैं। मेरा ससुराल अब लोग दे धुनाई देगा हमको, ऐसे घूमे तो। डिम्पी एक्सरसाइज कर रहा है इसलिए दुबला रहा है, बाप रे बाप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज हम जैसे कि दौड़ने गए थे, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे करेंगे। ऐसा एक बैग अगर बढ़ा देंगे ना तो पोटी हाँ भी बैठ नहीं सकेंगे, इसलिए धीरे 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 कर रहे हैं, है ना। और आज जो है क्लास है, और 2 दिन बाद तो बुकिंग स्टार्ट होगा। तो मतलब हम लोग का तो लेंथ है इसलिए नहीं चल रहा है, दूसरे लोग का है बुकिंग है। सो 2 दिन तो ये लोग का प्रैक्टिस डे रहेगा, लेकिन आज जो है मेरा डेमो है। पता नहीं है अभी भी कि हम किसको मॉडल के लिए बुलाएंगे, क्योंकि हम बोले तो हैं आप लोग को कि जिस किसी को भी इंटरेस्ट है खुटी में, जो लोग रहते हैं मेरे पास आना चाहते हैं एज अ मॉडल, तो आप लोग आ सकते हो। देखते हैं किसको बुलाएंगे, किसका मेकअप करेंगे। मज़ा आता है। दिन भर जो है ना एक्सरसाइज सब करने से ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और आज का ब्लॉग जो स्टार्ट करते हैं, और चैनल बनाए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। और आज हम क्या क्या बनाएंगे, हम लेट से आए थे तो आटा वगैरह निकाल के रखे हैं, सुबह ही करना था लेकिन नहीं किए हैं। और थोड़ा बहुत खाना है उसको फ्राई करेंगे मेरे लिए और मेरे स्टेला के लिए। ये आलू है, ये धनिया है, टमाटर है जो कि चटनी बनेगा, इधर साग है, आलू और साग बनेगा, लहसुन प्याज सब रात को ही हम लोग करके आराम से सो गए थे ताकि हम लोग को सुबह लोड ना पड़े, और ऐसे ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और दाल बनाएंगे, मिर्चा ख़त्म हो गया, भाभी को मिर्चा मांगेंगे। और इधर जो है बेंग साग कल लाए थे, 50 रुपये का खरीदे हैं। देखिए ढेर सारा, और मेरी स्टेला बुढ़िया होगी इसको छाटते छाटते अभी सुबह का हम काम इसको दे दिए हैं। इधर से सरसों साग जो कि हम शायद 15 साल बाद खा रहे होंगे। सच में हमको नहीं पसंद है सरसों साग, हम खरीदते भी नहीं है, ये हम फर्स्ट टाइम खरीदे हैं जिंदगी में, पहली बार हम सरसों साग खरीदे। मेरी माँ होती थी तो खरीदती थी, हम मूली साग, हम सागे साग लाए हैं। इधर सलगम साग, ये सुरजीत ला दिया था घर से, इसको कैसे बनाते हैं हमको आइडिया नहीं। इसका साथ सब्जी बनेगा इसका, खाते कैसे है, कैसे लगता है? मीठा। अच्छा मीठा लगता है, ठीक है। हैरी पॉटर वाला ना, इसे डालो अंदर। ए अरे अंदर तो डालो, ऐसे ऐसे सुन तो हम बता रहे हैं, तो ऐसे डालो ना, ऐसे ऐसे डालो, घुसो तो इतस्या का नया धर्म करो तो। हाँ चलो, हाँ हैरी पॉटर, चलो देखिए हैरी पॉटर पिक्चर की नहीं देखी, हाँ बोलती है चलो झाड़ू करो, इतना भारी झाड़ू तो तुम ही ये हो जाएगी बाबा के लिए, ठीक है ना। ओह रे, ओह झाड़ू करने पड़ता है, झाड़ू तुम दो ना छोड़ दो, बॉडी बढ़ जाएगा, बॉडी बन जाएगा ना, छोड़ दो ना। वो देखो ना कैसे थूड़ रही है, हो गया फुआ डांटेगी, हटो वो तो, छी 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 गिर गया था, ब्रश जा धो लो जल्दी। ये दोनों नहीं देखे, वो दोनों भी नाच रहा है, पोक लगाएगी तुम। हो गया ना, फुआ का काम मत बढ़ाओ तुम, इतना खिलाओ मत का
लो फेंक दे रही फुआ ना, खरीद के तो नहीं ला देगी फुआ खिलौना, और फेंक दे रही है। मोर माँ बोल रही ना, मोर माँ बोल रही है, छोड़ ना थक जाएगी, छोड़ो। हैरी पॉटर वाला झाड़ू तुम भी बैठेगी, दौड़ो ना, कहाँ तब ना दौड़ो, हाँ दौड़ो, हमको पकड़ो, हमको पकड़ो, हमको पकड़ो, पकड़ो ना हमको, बरस नहीं लगाएगी। हाँ डिम्पी डिम्पी जल्दी आओ, जल्दी आओ डिम्पी, जल्दी आओ डिम्पी, हम साथ साथ हैं बोल रहे ना डिम्पी, ना पो चलो हो गया, चलो उतरो। आज जो है पहला डेमो क्लास है और हम लोग डस्ट की स्किन पे पहले इनको मेकअप सिखा रहे हैं। कल भी एक डेमो है जिसपे कि इससे थोड़ा फेयर स्किन हम बुलाएंगे, और शायद मेरी वो सब्सक्राइबर है तो हमको मैसेज की थी, तो हम उनको कल के लिए बुलाए हुए हैं और हम लोग आज सीख रहे हैं कि डस्ट की स्किन पे कैसे मेकअप करना है। अभी फिलहाल हम बेस तैयार कर रहे हैं और नेक्स्ट बैच पता नहीं कब हम स्टार्ट करेंगे, अभी का कोई आइडिया नहीं है। ये बैच हमको पता था यहाँ तक हमको करना है, क्योंकि फिर गर्मी आ जाएगा तो गर्मी में थोड़ा मुश्किल है मेकअप क्लास कराना, क्योंकि यहाँ मेरा सुविधा है नहीं, थोड़ा सा बहुत यहाँ पे सीखेगा। हम लोग जो है हो सकता है कि सोच रहे हैं कि रेंट हम लेंगे, बट कहाँ लेंगे कैसे लेंगे हमको कोई आइडिया नहीं है। आज गए थे SDS स्कूल के पास पता करने के लिए, तो इतना कबाड़ा वाला रूम दिखा दी वो बच्ची कि हमको देख के लगा कि सच्चा तो मेरा ही घर ठीक है, मतलब जो हुआ घर होता है ना गाय लोग को रखते हैं उस टाइप का घर था। और 1500 रुपया अब हम वहाँ क्लास कराएंगे क्या, और भी खपरा वाला घर एकदम टूटा फूटा था, हम बोले बाबा क्या दिखा दी बच्ची मेरे को, फिर हम आ गए। तो वही है कि ये मेरा शायद अभी का लास्ट बैच होगा, अभी का मतलब कि इसके बाद का हमको आइडिया नहीं है कि हम कब कराएंगे, क्योंकि बुकिंग्स वगैरह भी है तो हम वो सब उठाएंगे, और जिसको भी करना होगा आप लोग वेट करो क्लास, मतलब जिसको करना है वो लोग वेट करो, जब भी क्लास आएगा तो हम आप लोग को अनाउंस कर ही देते हैं। और ये जो दीदी है ये मेरे घर में रहती है, रेंट में रहती है, तो आज हम उसी को मॉडल बना दिए। पिछला बैच से हम इसको करेंगे करेंगे सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो हम बोले कि आज फ्री हैं तो चलिए हम आज आपका मेकअप करते हैं, तो ये भी रेडी हो गई, तो बस क्लास कर रहे हैं। इसका जो फाइनल लुक है वो हम लोग फिर देखेंगे। आज का फाइनल लुक जो हम लोग स्मोकी आई किए हैं, और ये है कैथरीन दीदी जो मेरे घर पे रहती है रेंट पे, और ये थोड़ा सा मेरे टाइप की डस्की है, और इनका जो फेस था वो पूरा क्लीन था, कोई पिंपल्स नहीं, कोई दाग नहीं, ऑल ओवर बहुत अच्छा स्किन था इनका। और ये है आज का फाइनल लुक, उधर देखो अभी आईना नहीं देखी है ये, इनको हम लोग आईना दिखाएंगे ठीक है, फिर तुम लोग से रिव्यू लेंगे। रुक जाओ पहले दीदी को कैसा लग रहा है ना, पहली बार मेकअप किया ना तो पहली बार मेकअप देखो उधर से लो मैया, देखो आईना, तुम अब आईना देखो पता चल रहा है ठीक है, पता चल रहा है देखो कैसा, अच्छा है, अच्छा है ठीक है, चलो ब्राइड खुश तो सब खुश क्या। तो ये सिंपल सा स्मोकी आई है जो कि हम स्टूडेंट को सिखाए हैं, और अभी उनसे हम मिलेंगे, पहले आएगी सिमरन, चल सिमरन जल्दी आओ। तो ये है सिमरन जो कि कहाँ से है, रांची से ITI। हाँ, और इधर इसका घर है कहाँ है, बालामोड़, बालामोड़। तो अब ये सीख रही है मेकअप ठीक है, जिस किसी को भी बुकिंग करना होगा आप लोग कर सकते हो, जो लोग देख रहे हो बालामोड़ या कहीं कहीं से। तो चलो आज आपका पहला डेमो था, तो आप बताओ कि ये आपका डेमो क्लास कैसा लगा आज का। आज का क्लास बहुत अच्छा था, आज हम लोग स्मोकी आई सीखे, इसमें बहुत सारा नॉलेज था कि हम लोग सीख पाए, टेक्निक समझ में आया। हाँ, और कुछ डाउट नहीं अभी तो नहीं है, पूरा क्लियर है, हम अच्छे से सिखाए। ठीक ठीक, थैंक यू। अब श्वेता तो नहीं आएगी, तो ये भी है श्वेता जो कि सिमरन की भाभी है और ये लोग दोनों रांची से आई हैं ITI से,
और इनका ससुराल है डियर की, हाँ, और मायके मायके रातू रातू। तो यहाँ वहाँ से को जो भी मेरे फॉलोअर्स होंगे सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग इनको बुक कर सकते हो, दोनों उधर ही रहती हैं ना। तो चलिए, आपका भी पहला डेमो था आज? मेरा पहला डेमो था और बहुत अच्छा से डस्क स्किन में कैसे काम किया जाता है उसको दीदी बहुत बारीकी से बताई और समझाई और समझ में भी आया और कैसे काम किया जाता है, कैसे एक के बाद एक लेयर के साथ काम किया जाता है, बेस के साथ काम किया जाता है, वो सीखे और बहुत अच्छा लगा। चलो अब ये चीज़ आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और हम कोशिश करते हैं कि जितना एक एक चीज़ होगा टेक्निक वो हम एक एक पॉइंट हम आप लोगों को सिखाएं। तो यही है आज का मेकअप और आज इन लोग का तो छुट्टी, आज बहुत जल्दी छुट्टी हो गया, ठीक है? फटाफट आप तो रील्स बनाएंगे लोग आज, गाना नचुन के रखो। और आज हमको रांची भी जाना है इसलिए हम कोशिश किए इसका जल्दी बंदी आज का क्लास है वो हम करा दें। आज हमको शाम में रांची जाना, आज मीटिंग है, मे भी जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, और हम लोग मॉडल को भी छुट्टी देंगे। फिलहाल तो ये अपना एंजॉय करें मेकअप का, अब उसकी मैया तकलीलों को दिखा लेगी ना, तकली जा रही है। चलो ज्यादा आना देखेगी तो ठीक से देख ले। किसी को भी ऐसा मेकअप सीखना है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या बुकिंग के लिए मेहंदी बुकिंग मेकअप बुकिंग, इधर मेहंदी चल रहा है क्लास चल रहा है इधर आप लोग देख सकते हो इधर। वाओ शीतल दी आप इतना अच्छा करती हो, हम तो आज जाके जाने। तो इधर देखिए बहुत ही फिनिशिंग, बाप रे बाप, आप तो प्रो हो जाइएगा बाबा। ये लोग हमको फेल करने वाला है, अब हमको डर लगने लगा लोग से। इधर क्या बोलते हैं गुण जो हम लोग का कन कन में भरा हुआ है ना दीदी, ये चीज हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, बुढ़िया होने से पहले ही पैर फैलाना शुरू हो गया। बाप रे बाप, स्मिता स्पीड देखिए स्मिता का, बाप रे फट से घुसा ली पैर। तो इधर जो है इसका अभी तक ही पिछवाई है, दो दिन अब्सेंट, इन लोग का तो अब्सेंट ही नहीं खत्म होता है। मेरे स्टेला का हाथी देखिए, आज थोड़ा मेल फीमेल पता चल रहा है, ठीक है? कल तो सिर्फ इसका मेल इसका फीमेल बन रहा था, अब तो मेल फीमेल पता चल रहा है, ठीक ना? तो मेहंदी भी आप लोग सीख सकते हो, जा रही है। अच्छा बोल, थैंक यू मॉडल बनने के लिए, क्योंकि हमको डस्की स्किन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग का मेन ब्राइड जो होती है ना, हम लोग जितना भी मिलता है वो डस्की ही लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो हमको इसलिए उनमें ज़्यादा काम करना होता है। सो जैसे कि हम बोल रहे थे कि अगर बुकिंग वुकिंग करना है तो प्लीज़ हमको फटाफट फ़ोन करो, घुमाओ फ़ोन नंबर घुमाओ और फ़ोन करो बुक करो। बहुत लालची बनते जा रहे हैं आजकल हमको, हम कहें कि हम पैसे जमा करें शादी ब्याह करने के लिए, इसलिए समझे ना, तो फटाफट हमको बुकिंग कीजिए। और अभी फिलहाल तो हम इन लोग को थोड़ा पढ़ाते लिखाते हैं, और हमको रांची भी जाना है, जाएंगे कि नहीं पता नहीं, किसके साथ जाएंगे वो भी नहीं पता है, क्योंकि शाम का मीटिंग है। सो अभी फिलहाल तो हम इनका क्लास लेते हैं, खाना नहीं खाना है। सो हम हो गए हैं रेडी, और कितना मुश्किल से कम एक घंटा कपड़ा ट्राई करने के बाद मेरे में कपड़ा आया है, और हम बहुत ही निराश हैं क्योंकि मेरा सब कपड़ा वेस्ट हो चुका है मोटापे की वजह से, जो हम नहीं चाहते थे, और हमको ऐसे ही कटअप कुटुप जाना पड़ रहा है जो भी बाइक में, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा। सैंडल एक एक्स्ट्रा बैग नहीं है, नहीं ठंडा लगेगा ना उतना, क्या करें अब, नहीं बना बैठना तो क्या करें। अब हम वापस फिर से आए हैं क्योंकि ये कपड़ा में हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं बाइक में बैठने, ओह बड़ा मुश्किल हो गया जीना मेरा तो मोटापे की वजह से। फटाफट कपड़ा चेंज करेंगे फिर निकलेंगे। यार ब्लॉग में हाय कर दी उषा, हम देखो कितने दूर से फिर वापस आए, बताओ सिर्फ हम ब्लॉग के लिए। ये लोग आज मेरे मीटिंग में ये लोग मेरे फ्रेंड्स बने हैं सारे लोग, और हम आ गए थे और यहाँ पे एक्चुअली क्या था, लेट हो गया था, हमेशा रहते हैं। ये साजन इन्हीं के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पे मीटिंग हुआ, और ये हमारे ऑर्गेनाइजर सर सोनू सर, हाँ ये जी ही है, और इधर ये भी सोनू जी है ना। तो अभी जो है हम लोग चाय नाश्ता करके अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हमको तो कॉफी पी है, हम लोग को कुछ नहीं मिला, कट 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 हम लोग
इतना बिजी थे कि हम लोग आके दिखा भी नहीं पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं। वापस मिल रहा था लेकिन अभी जल्दी नहीं कर पाएंगे बहुत बिजी है। हाँ अब यहाँ प्रमोशन दे दो, प्रमोशन कर दो कंपनी को लेके। ठीक है अभी हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा फोटो तो लेना है। थैंक यू। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे, मिलते हैं फिर से। बाय बाय टाटा। हम लोग शूट करेंगे इसमें स्पेशल व्लॉग बनाना। बिल्कुल बिल्कुल चलो बाय टाटा। इधर आ, लोमड़ी जैसा दिख रहा। पैसा छोड़ने का है और थाली को साफ करने का है। हम लोग आए थे यहाँ खाना खाने के लिए, अभी हम जा रहे घर। हेलमेट पकड़ो ना। चलो हम लोग इंडियन का ये देखिए, ऐसे बचता है तो डाल के ले जाओ। अरे मेरा बैग गंदा हो रहा है। तो ऐसा है, हम घर पहुँच गए हैं और रात के 10:45 बज रहे हैं अभी। और सब लोग हमको पता है कि सो ही रहे घर पे। हम है जो काम धंधा है नहीं मेरा, रात रात को खाली घूमते रहते हैं। मेरा ससुराल अलग दे धुनाई देगा हमको ऐसे घूमेंगे तब। घूमते तो नहीं, कांवड़ से जाते हैं। लेकिन सो गया तुम लोग और ई हाल बना के रखे हम बिस्तर। इतना कपड़ा ट्राई किए थे ना हम जाने से पहले कि हम क्या बताएं।